धरा का धरा रह गया जब वो लड़का अचानक ही औरत की आवाज में बात करने लगा और धीरे धीरे नीचे की तरफ। लड़का यूनाइटेड स्टेट्स पढ़ने के लिए गया था, 4 साल पढ़ाई, उसके बाद में वर्क परमिट, करीबन 7-8 साल पढ़ाई करने के बाद में लड़का वापस आता है। ये कहानी है लखनऊ की। लखनऊ में एक साहनी परिवार रहता है और उनका लड़का गया हुआ था। मैं यहाँ पे परिवार के किसी भी सदस्य का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि इनके किसी करीबी ने ये कहानी मुझे भेजी है, तो सीधी सी बात है कि नाम वगैरह नहीं देना है क्योंकि सेंसिटिव हो सकता है। यूएस से जब बच्चा पढ़ के वापस आता है, तब तक पिताजी ने, मतलब परिवार ने मिलकर के एक बहुत ही बढ़िया आलीशान सा बंगलो बना लिया था। अब बंगलो भी मतलब क्या कहने, क्या शानदार बंगला बनाया था। बच्चा खुशी खुशी घर आता है, अपने घर पे आता है, पेरेंट्स को लेने के लिए जाते हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से जब घर आता है, घर आने के बाद में दिन भर बातें चीते, वही यूनाइटेड स्टेट्स की बातें, यही सब चलता रहता है। उसके बाद में जब रात के समय लड़का जब अपने घर जाता, अपने कमरे में जाता है सोने के लिए, तो कमरे की खिड़की खोलता है तो देखता है कि पीछे साइड में कब्रिस्तान है। वो देख करके थोड़ा सा मतलब नाखुश हो जाता है कि यार ये कैसी जगह है। तो तुरंत ही अपने माता पिता के पास आता है और कहता है कि मम्मी पापा, ये कैसी जगह पर घर बना दिया आपने, मैंने तो सोचा कि पीछे खिड़की खोलूंगा तो कुछ बढ़िया नजारा दिखेगा, यहाँ पर तो कब्रिस्तान है। तो माँ कहती है कि क्या बेटा, तू भी अमेरिका से पढ़ करके आया है और फिर तू इस तरीके से कब्रिस्तान को देख करके डर जाता है। अरे बेटा है, आप क्या करें, ये शमशान और कब्रिस्तान, ये तो हर जगह रहेंगे तो क्या कोई किसी जगह पे मकान नहीं बनेगा क्या, और कौन सा ऐसा घर घर है जहां पे कोई मरता नहीं, तो क्या कोई जगह पे कोई आदमी घर ही ना ले। ये सब बातें नहीं होती है बेटा, घर लिया है, अच्छा घर बनवाया है, खुश रहो, खिड़की से दिक्कत है खिड़की बंद कर दो। जब वो कहता है कि माँ अब गर्मी लग रही है तो क्या करूं, खिड़की खोली, तो कहता है ठीक है खिड़की खोली है तो कोई बात नहीं, बंद कर दो खिड़की, एसी चालू कर लो, क्या दिक्कत है। लड़का कहता है ठीक है, लेकिन माँ फिर भी कब्रिस्तान तो कब्रिस्तान होता है ना, ये तो कोई अच्छा नजारा तो है नहीं, जब भी खोलो तो पीछे की साइड में कब्र दिखे, ये तो क्या बात हुई। बोलते हैं ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारा कमरा चेंज कर लो, उस कमरे में मत रहो, तुम नीचे आ जाओ अगर तुमको डर लगता है। अब डर वाले जो बात आई, उसकी वजह से लड़के ने सोचा कि नहीं भाई ये तो बेइज्जती वाली बात है, तो उसने सोचा कि नहीं चलिए ठीक है, मैं तो वहीं रहूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। रात को सोने के लिए जाता है वो, ऐसे ही हिम्मत करके अपना कमरे की खिड़की खोल देता है। खोलने के बाद में सोने के लिए अपने बेड पे बैठा, तो लेकिन उसकी बार बार नजर, बार बार नजर अब वो कब्रिस्तान के पास ही जाया करती। वैसे कमरे से कब्रिस्तान तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि ये तो फर्स्ट फ्लोर पर था, और कब्रिस्तान में अगर देख रहा हो तो वहां पे खिड़की पे आकर के देखना पड़े। अब कुछ रात के करीबन 1:30-2 बजे ही होंगे, ये फ्रेश होने के लिए गया, फ्रेश होकर के वापिस आया, तो अनायास ही खिड़की के पास में गया और कब्रिस्तान की तरफ यूं मतलब खिड़की की तरफ खड़ा होकर के यूं देखने लगा। अब वो देखने लगा तो उसने देखा कि वहां पर एक औरत चल रही है। अब उसे ऐसा कोई इमीडिएट भूत प्रेत जैसी कोई चीज तो उसके दिमाग में थी नहीं, लेकिन उसने सोचा कि ये इतनी रात को, रात के 1:30-2 बजे के आसपास कोई औरत क्यों कब्रिस्तान पे यूं चल रही है। तो उस देर तो वो उसे देखता रहा, वो औरत वैसे ही कभी यहां जाती कभी वहां जाती, इस तरीके से वो चलती रही, वो ये उसको देखता रहा। थोड़ी देर यूं देखने के बाद में ये वापिस पलटा और अपने बेड पर जैसे ही जाकर के बैठा, उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि वो औरत खिड़की पर खड़ी। अब उसे ऐसा जब नजारा दिखाई दिया तो वो तुरंत वहां से भड़क के खड़ा हुआ और उसने देखा तो वास्तव में ऐसा तो कुछ था नहीं कि वो औरत वहां पर आकर के बैठी थी, लेकिन वो अंदर से थोड़ा सिहर गया, उसे अचानक ऐसा लगा कि ऐसा कैसे,
वह वापिस से खिड़की के ऊपर जाकर के खड़ा हुआ और उसने देखा तो अब वो औरत उसे शमशान में नहीं दिख रही थी, मतलब वो कब्रिस्तान में वो औरत अब उसे नहीं दिख रही थी। तो ये देख करके उसे थोड़ा असमंजस हुआ कि मतलब क्या मैंने अभी जो देखा क्या वो सचमुच में खिड़की के पास थी? अगर वो खिड़की के पास नहीं थी तो अभी चलते चलते अचानक से कहां गायब हो गई, अब मुझे वो कब्रिस्तान में दिखाई क्यों नहीं दे रही है? ऐसा सोच करके वो वापिस से पलटा तो उसे ऐसा लगा इन से उसने क्लियर ऐसा देखा कि वो औरत उसके बेड पर ही बैठी है। अब जैसे ही उसने ये देखा वो बेचारा जोर से चिल्ला करके जाकर के खिड़की में ऐसा जाकर के टकराया और चिल्लाने की आवाज से तुरंत जो है उसके माँ बाप उसके बहन सारे सब दौड़ करके आए। अब वो बाहर से दरवाजा खटखटा रहे हैं लेकिन वो लड़का उसको दौड़ करके दरवाजा खोलने तक की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि वो औरत उसे वहीं बैठे दिखाई दे रही है जो वहीं पर बैठे हंस रही है। अब ये बोल रहा है माँ दरवाजा खोलो, पा ये दरवाजा खोलो, ये मुझे बाहर नहीं आने दे रहे। उसके मम्मी पापा समझ नहीं पा रहे कि ये क्या बोल रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद में अचानक उसने दरवाजा खोला तो काफी बुखार से तड़पने लगा और एकदम से ही गिर गया। उसके माँ बाप ने उसे उठाया नीचे के कमरे में लेकर के गए और नीचे कमरे में लेके गए उसे पानी वानी डाला। लड़का होश में आया और होश में आने के साथ में तुरंत अपनी माँ के सामने यूं देख करके गुर्राने लगा, इस तरीके से कुछ ऐसी आवाज निकाल करके मतलब कुछ बदतमीजी वाली चीजें करने लगा। तो उसकी माँ को अचानक से लगा कि इसको क्या हो गया है, उसके पिताजी को भी लगा कि नहीं इसको कुछ तो ऐसा हुआ। तो पहले तो उसकी बहन ने कहा कि मम्मी पापा ये तो मुझे लगता है भैया प्रैंक कर रहे हैं हमारे साथ में, पहले कब्रिस्तान वाला नाटक करने लगे और अब हमारे साथ में प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन ये सारा सोचना सबका धरा का धरा रह गया जब वो लड़का अचानक ही औरत की आवाज में बात करने लगा और धीरे धीरे नीचे की तरफ झुका और जिस तरीके से जानवर चलते हैं उस तरीके से चारों हाथ मतलब दोनों हाथों पांव के ऊपर यूं होकर के जानवरों की तरह चलना शुरू किया और इस तरीके से चलते 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 अपने कमरे के आसपास जाने लगा। अब इसके पीछे पीछे इसके पेरेंट्स और इसकी बहन भी गए और ये कमरे में घुसा, इन्होंने देखा कि वो कमरे में गया, उसके पीछे पीछे ये लोग भी गए और वो खिड़की के पास जाने लगा तभी अचानक दरवाजा फट बंद हो गया। इसके बाद क्या हुआ ये दोस्तों दिल दहला देने वाली कहानी है जिसका आगे का भाग अगले एपिसोड में डिस्कस किया जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर विश्वास है तो ईश्वर हमेशा आपके साथ है और ईश्वर अगर आपके साथ है तो कोई भी तीसरी शक्ति या यूं कहें कि कोई भी स्पिरिट आत्मा कुछ भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। विश्वास और श्रद्धा यही सबसे बड़ी चीज होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।